अच्छा शॉट, रन्स मिलेंगे, भागने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा टाइम किया इसको, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और पेस को इस्तेमाल किया, टाइमिंग भरपूर थी, चार रन्स बहादुर लेफ्टी के नाम। दिलकश चौक और एक टिपिकल लेफ्ट हैंडेड शॉट, बॉल बाहर थी ऑफ स्टंप के और थोड़ा ऊंचा था लेकिन फील्डर वहां मौजूद नहीं था जिसकी वजह से चार रन हासिल हुए। पहले टिप्पा पड़ा पिच के ऊपर ही जिसकी वजह से और ज्यादा बॉल स्किड हुई और एलिवेशन भी थी और कोई मौका नहीं था कि कोई भी फील्डर चेस करता। राउंड द विकेट पुल करने में कामयाब हुए, रन्स मिलेंगे, बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर बहादुर। खराब गेंद, पीछे गिरी हुई गेंद और बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, एक और उम्दा स्ट्रोक और जिस सलूक की जरूरत थी इस गेंद को वही सलूक किया बहादुर ने, उम्दा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए, चौका हासिल किया, शॉर्ट बॉल और बिल्कुल कारपेट शॉट खेला, चार रन हासिल किए, कॉन्फिडेंस में ग्रो करते हुए बहादुर। और उम्दा ड्राइव गैप में और देखना होगा कि क्या फील्डर गेंद तक पहुंचते हैं नहीं, और बिल्कुल आखिरी वक्तों में डाइव लगाकर गेंद को रोकने में कामयाब हुए, इतना में दो रन हासिल हुए बैटर्स को, उम्दा स्ट्रोक था फारूक ये। जी एक जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट कवर्स की जानिब खेले ऑन द राइज, अच्छा वेल टाइम शॉट था लेकिन इतनी उम्दा टाइमिंग नहीं और थोड़ी सी जो बॉल थी वो स्लो डाउन हो गई, फील्डर के लिए काफी मौका था उसको कट ऑफ करें, अच्छी टाइमिंग एफर्ट, अच्छी कमिटमेंट, पहली गेंद से अच्छी बॉलिंग शुरू कर दी। चार रन मिलेंगे, अच्छा शॉट लिफ्ट किया इसको मिड ऑफ के फील्डर को क्लियर किया, कैच आउट की आवाज जरूर रहती लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में कन्विंसिंगली ऊपर खेलने में कामयाब हुए, राइट एलिवेशन बहादुर लेफ्टी ने हासिल की, उम्दा स्ट्रोक, क्लीन स्ट्रोक, काफी आगे बॉल गिरा था और तरह का गेन अगर आप कराएंगे अब वो भी पावर प्ले में तो यकीनन यही नतीजा निकलेगा। बहुत ही करीबी मामला था लेकिन चार रन मिलेंगे यहाँ पर, कवर फील्डर मौजूद, स्मैश किया उसको, टाइप लगाए लेकिन नहीं पहुंच पाए बॉल तक और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, एक और चौका बहादुर लेफ्टी के नाम, 28 पे पहुंच गए बहादुर, उम्दा बैटिंग और ऑफ साइड पे शॉट खेलने में कामयाब हुए, एरियल जरूर था लेकिन इन दी एंड काफी सेफ। बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही शानदार शॉट और कैच भी ड्रॉप किया यहाँ पर, अच्छा मौका था, आसान कैच था लेकिन क्लासी शॉट बहादुर की तरफ से, रूम बनाया और लिफ्ट किया, ओवर एक्स्ट्रा कवर, कमाल है। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इसी साथ में खुशामदीद कहूँगा आमिर को, क्या शॉट है आमिर? यकीनी तौर पर बड़ा शानदार शॉट था और यहाँ आपको बताते चलें इस छक्के के साथ बहादुर अली ने इस टूर्नामेंट में अपने 200 रन भी मुकम्मल कर लिए हैं, कप्तान है ये नॉर्थ हॉक्स के। और इस मरतबा पीछा जरूर किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके क्योंकि ज्यादातर वार बहादुर अली के खाली नहीं गए और इस मरतबा भी चौका लगाकर पावर प्ले का इख्तिताम किया। पिछले कदम पर जाकर धकेला था इसे कवर्स की जानिब और फील्डर खासी देर तक पीछा करते रहे। ये वो सोहेल खान की बैटिंग पावर प्ले में, बहुत अच्छा कैच शाह शाहजानी का। तो अगर आपको याद हो तो जहां पर मलिक डॉल्फिन के खिलाड़ियों ने उनका कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी हां बिल्कुल, इस मरतबा कट किया पॉइंट की जानिब, यकीनी तौर पर बीट किया है बैट्समैन को और चार रन मिले हुज़ैफा मुनीर को। अच्छा शॉट, गैप तलाश किया इस बार हुज़ैफा ने और क्योंकि डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई फील्डर पोस्ट नहीं है उसका फायदा उठाया। और अगर बॉडी लैंग्वेज आप नॉर्थ हॉक्स की देखना चाहें यहाँ आमिर, तो बजाहिर ऐसा लगता है कि इस दबाव और इस बार उठाकर खेले हैं हुज़ैफा, रन होंगे यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। जी हाँ बिल्कुल, और जरूरी था हुज़ैफा मुनीर ने और क्योंकि खासी देर से कोई बाउंड्री हासिल नहीं की थी, यहां कोशिश की चार रन हासिल करने में हुए कामयाब। तो 10 ओवर यहां मुकम्मल हो चुके हैं, 79 रन बना लिए हैं मलिर डॉल्फिन की टीम ने और इस बार शानदार गेंद हवा में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए।
जिस चीज का इंतजार था उज़ैफा मुनीर को, ज़ोहेब ने वो बॉल दे दी इनके बिल्कुल पांव में, और इनका एक फेवरेट शॉट है जिसको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं उज़ैफा मुनीर। ये देखें, थोड़ी सी बॉल मिडिल लेग थी, उसका पूरा फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का उज़ैफा मुनीर का। ये नौजवान टैलेंटेड बल्लेबाज शहर कराची का नाम रोशन करते हुए, जोन 7 से इनका ताल्लुक है, यकीन तौर पर आज काफी खुश होंगे। जो आज ये अगर जीतेंगे तो बराबर हो जाएंगे एफपी एरे के पास 10-10 पॉइंट के साथ। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट बाउंड्री पर 6 रन, उज़ैफा मुनीर ऑन फायर। जैसे कि अभी बात कर रहे थे इस टैलेंट का, और दिखाया, शो किया एक दफा फिर उज़ैफा मुनीर ने, बिल्कुल कैमरामैन के सर के ऊपर से स्ट्रेट डाउन साइड स्क्रीन के ऊपर से क्या खूबसूरत छक्का मारा है। के कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल की स्पीड यूज की, टूर्नामेंट की। और इस बार बुलंदो बाला, एक और छक्का उज़ैफा मुनीर के खाते में। कमाल की हिट यहां पर उज़ैफा की, इस बार लॉन्ग ऑन रीजन में काफी देर तक गेंद हवा में रही और बिल आके लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अच्छी कोशिश बायर फैन की इस कैच को पकड़ने की, और उज़ैफा मुनीर अपनी एक और निशानची बनाने में कामयाब हुए। किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड, उज़ैफा मुनीर खुदा का शुक्र अदा करते हुए और मुबारकबाद वसूल करते हुए लाल कुलमान निर्वाणी से 3 छक्के और 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल है। 35 गेंदों पर अपनी इस इवेंट में 3री निश सेंचुरी मुकम्मल की। 50 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट के चंद अच्छे खिलाड़ियों में ही इज वन ऑफ देम। और ये 50 रन उज़ैफा मुनीर के शानदार नॉक यहाँ पर अब तक खेलते हुए नजर आए उज़ैफा। और ये खूबसूरत शॉट्स ऑल अराउंड द पार्क उज़ैफा मुनीर ने लगाए, 4 बुलंदो बाला छक्के और बैट को रेस किया अपनी 3री नेस सेंचुरी के लिए। अपने 3रे ओवर की 2री गेंद डालने के लिए तैयार हुए, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार उठाकर खेले हैं, फील्डर गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। शुक्रिया भैया, और मेरे आते ही देखें छक्के शुरू हो गए। वैसे तो पढ़ रहे हैं, पूरे दिन में पढ़ रहे हैं, छक्के पड़े हैं बहुत, लेकिन जबरदस्त बैटिंग हो रही है। और छक्के पढ़ना अच्छी बात है, छक्के छूटना अच्छी बात नहीं है। तो उसी में सब छक्के कल अभी छूटे, इससे पहले खालिद के छक्के छूटे हैं और जो है वो टीम हारी है, बट फाइट करके हारी। मगर ये मुझे लग रहा है 160-170 अगर ये कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। और एक मरतबा फिर जोरदार तरीके से इस गेंद को खेले हैं, लेकिन इस बार गेंद काफी देर हवा में रहने के बाद फील्डर के हाथ में महफूज हो गई। एक शानदार बेहतरीन उमदा परफॉर्मेंस देने के बाद उज़ैफा बोझल कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी टीम को यहाँ आखिरी ओवर्स में अपनी इस शानदार बैटिंग से मजीद रन फराहम करना चाहते थे, लेकिन तेज खेलने की कोशिश में वो अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। एक शानदार परफॉर्मेंस और उज़ैफा का डिपार्चर हुआ शानदार, 56 रन 2 चौकों और 4 छक्कों के साथ 147 रन के स्ट्राइक रेट से करते हुए 148/3। दे सकते हैं ये हाइलाइट्स मलिक डॉल्फिन की इनिंग की, और शुरू में उमदा स्ट्रोक खेले थे और फिर बड़ा उमदा कैच पकड़ा बैटर का, फिर उसके बाद बहादुर ने अपनी बहादुरी से उमदा बैटिंग का मुजाहरा किया, अच्छे चौके और छक्के लगाए। रन चेज भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं, रन बना भी रहे हैं, और ये इनिंग देखिए किस तरह शॉट लग रही है। और छक्का, ये भी छक्का, और लाल कुमार ने बहुत ही उमदा छक्का मारा इस पे, और एक और शॉट जो बाउंड्री के बाहर ही मुझे लग रहा है जा रहा है। और ये और ये बड़ा अच्छा कैच पकड़ा सामने से नहीं बल्कि, और फिर ये सोहेल खान जो रिटायर्ड आउट होने के बाद दोबारा से आए और फिर उमदा स्ट्रोक खेले बैटर ने आउट होने का मंजर, और उमदा स्ट्रोक था ये, बड़ा अच्छा कैच भी पकड़ा।
छक्के के साथ इनिंग का अख्तिताम हुआ।